खबर राजधानी भोपाल से, जहां कांग्रेस अब प्रत्याशियों की पहली सूची जल्द ही जारी करेगी। 20 अगस्त के बाद जो है बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। चुनाव समिति की बैठक के बाद रिपोर्ट दी गई है। 22 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे का मध्य प्रदेश दौरा है और दौरे से पहले ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है 20 अगस्त यानी कल। ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं कि सूची जारी हो सकती है। 60 से अधिक सीटों पर कांग्रेस नाम अपने प्रत्याशियों के ऐलान कर सकती है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विवेक, बीजेपी ने अपने 39 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है मध्य प्रदेश में और इसके बाद अब सबकी निगाहें कांग्रेस पर है। अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है जल्द ही अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस ने वादा किया था और ये प्रत्याशियों को भरोसा दिलाया था कि करीब 6 महीने पहले उन्हें चुनाव का वक्त मिल जाएगा और वो फील्ड पे तैयारी कर सकेंगे। लेकिन चुनाव के लिए महज 2.5 महीने बाकी हैं, लेकिन कांग्रेस की अब तक पहली सूची भी नहीं आई है। और ये माना जा रहा था कि जब दिग्विजय सिंह ने अपने सर्वे की रिपोर्ट दी उस वक्त की 60 से अधिक सीटों पर बीजेपी आखिर क्यों जीतती आ रही है, कांग्रेस के विधायक तो पिछले 2 से 3 चुनाव में क्यों शिकस्त कांग्रेस को मिलती रही है, इन तमाम बातों को लेकर दिग्विजय सिंह ने रिपोर्ट दी थी मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ और स्थानीय संगठन को। और इसी रिपोर्ट के आधार पर 3 सर्वे शुरू हुए। कमलनाथ का सर्वे था, AICC का सर्वे था, राहुल गांधी का सर्वे था और अब एक स्थानीय स्तर पे जो समन्वय समिति बनाई गई थी और प्रभारी बनाए थे उन्होंने भी अपने सर्वे पूरे कर लिए और ये तमाम सर्वे की रिपोर्ट आला कमान तक पहुंच गई है। कल एक बड़ी बैठक होने वाली है और इसमें चुनाव कैंपेन और चुनाव समिति, ये दोनों ही की समितियों की बैठक होगी और समिति में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया सहित करीब 40 से अधिक वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे जिन्हें कमेटी में जगह दी गई है। और ये कमेटी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी, मध्य प्रदेश में कैसे चुनाव का कैंपेन रहे, कौन कौन से नेता मध्य प्रदेश में दौरे पर रहेंगे, तमाम विषयों को लेकर चर्चा करेगी और इसके बाद रिपोर्ट आला कमान को भेज दी जाएगी। और ये माना जा रहा है, जो कांग्रेस के अंदर खाने के सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस 20 तारीख के बाद कभी भी टिकट का ऐलान कर सकती है। हालांकि 22 को मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा है, पहली बार दौरा बना था, निरस्त हो गया, अब फिर से मध्य प्रदेश का प्रोग्राम बना है और ऐसे में खड़गे के दौरे से पहले या फिर बाद में रिपोर्ट प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। देखना काशिफ का कि कब तक कांग्रेस जो है सूची जारी कर देती है, इंतजार सभी को है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दे कि खबर आपको बताई मध्य प्रदेश से, जहां बताया जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, उस लिहाज से जल्द ही प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है।